हर कहानी में कुछ खास जरूर होता है। कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती हैं और कुछ असल जिंदगी में घटी हुई कहानियाँ होती हैं। पर हम जेके पर इस पॉडकास्ट के जरिए मेरी कहानी में जहाँ आपको ही कहानी सुनाऊंगी, आप ही की और मेरी जुबानी। तो चलिए करते हैं बात। आज की कहानी है सायदा की, जो कश्मीर के एक छोटे से गांव निशात की रहने वाली है। अब हर एक कहानी की अपनी ही कुछ खास बात होती है। सायदा की कहानी भी कुछ आम जिंदगी से हटकर है। आज सुनते हैं सायदा की कहानी मेरी जुबानी। सायदा का जन्म एक छोटे से गांव में तो हुआ, पर जन्म होने के लगभग 17 दिन में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आइए जानते हैं कैसे। सायदा महज 17 दिन की थी जब उसे उसके अपने ही माँ बाप ने रिश्तेदार को गोद दे दिया था। गोद इसलिए दिया था क्योंकि किसी की सूनी गोद को भरने का मकसद था। जब शुरुआत में अपने माँ बाप के पास सौंपा तो सायदा का जीवन बदल गया। कैसे बदला जरा वो भी जानते हैं। सायदा अपने माँ बाप के लिए बहुत लकी साबित हुई। केवल 2 ही साल में एक भाई से खुदा ने उसे नवाजा और लगभग 1 ही साल में एक और बहन का जन्म हो गया। अब ये 2 नए मेहमान सायदा के आने से उसके सौतेले माँ बाप के लिए तो लकी साबित हुए, पर सायदा की जिंदगी पहली जैसी नहीं रहने वाली थी। उसके माँ बाप के मन में अपने पराए की भावना आ गई। सायदा काफी छोटी थी जब उसे लगा कि उसके माँ बाप उसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते, पर उसके छोटे भाई बहन को पूरा खर्च मिलता है। सायदा ने ज्यादा ना सोचकर इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, पर ये भेदभाव बढ़ता चला गया। अब धीरे धीरे सायदा को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके माँ बाप के अंदर उसके प्रति ज्यादा लगाव नहीं है। सायदा की बड़ी होती गई और जाहिर सी बात है कि उसके खर्च बढ़ते गए। बढ़ते बच्चे की पढ़ाई के खर्चे और रहने के खर्चे, बहुत से खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और सायदा के सौतेले माँ बाप ने उसे उसकी नानी को सौंप देने का फैसला कर लिया। सायदा को पाला नहीं जा रहा ये कहकर उसके अपनी ही नानी को सौंप दिया। सायदा ने जब अपनी नानी से इस बारे में पूछा कि माँ बाप ने उसे क्यों छोड़ दिया, तो उसे पता चला कि जिसे वो बचपन से अपना समझ रही है वो उसके पराए थे, अपने माँ बाप नहीं थे। अब सायदा को अपने परिवार से लगाव प्यार था, खास तौर पर अपने भाई बहन से जिन्हें वो प्यार करती थी, जिनके साथ बचपन से खेल कूद रही थी। सायदा की लड़ाई ये थी कि उसे अपने भाई बहन के पास वापस जाना था, पर वहीं दूसरी ओर सौतेली माँ और बाप वापस बुलाने को राजी नहीं थे। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए हमारा कल का पॉडकास्ट देखना ना भूलें कि क्या सायदा को अपने वो परिवार को वापस जा पाएगी या नहीं। अगर नहीं तो उसकी जिंदगी कैसी होने वाली थी। कल मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।